सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुजीबुर रहमान फिर से वेलकम करता हूं आपका आपके अपने चैनल अहमदाबाद भजी पैलेस में। दोस्तों, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2024। 365 दिन 365 एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं। हर एक अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करिए और बहुत ही सक्सेसफुल बनिए आपकी खुद का जो कर रहे हो पढ़ाई या दूसरा जो बिजनेस वगैरह या जॉब वगैरह उसके अंदर, और खासकर बर्ड्स लाइन के अंदर भी हर पल आपको सक्सेस मिलती रहे, मेरी यही दुआ रहेगी आप लोगों के लिए। खैर, मैं आया हूँ आरिफ भाई के वहाँ पर काफ़ी टाइम के बाद, 6 महीने से ज़्यादा मतलब हो गया है टाइम, दिन नहीं हफ्ते नहीं महीने गुजर गए, 6 महीने बाद में आया हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि भाई जो ब्रीडिंग कराएगा जो ब्रीडर होगा मैं उसी का वीडियो कवर करूंगा, ये बोलने के बाद मैंने मोस्टली सभी सेलरों के वीडियो निकालना बंद कर दिया था, जिसके बाद कुछ सेलर ने रुजू किया और वो ब्रीडिंग की तरफ आए, पर खैर देर आए दुरुस्त आए, आरिफ भाई ने भी ब्रीडिंग यहाँ पर स्टार्ट कर दी है और इसके अलावा इनके पास बहुत सारी चीज़ें और भी होती है आप लोगों के लिए, तो ब्रीडिंग क्या करा रहे हैं वो भी देख लेंगे। इसके अलावा कौन कौन से नए बर्ड्स इनके पास आए हैं, क्या नया कलेक्शन है, थोड़ा सेटअप में अंदर चेंज किया इन्होंने। इस्लाम भाई कैसे हो? बस एकदम बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लगा आपने मतलब ब्रीडिंग वगैरह कराने स्टार्ट कर दिया। इसमें ऐसा है भाई के मोस्ट ऑफ यानी कैसा था कि मैं बाहर से बर्ड्स लेता था, ओके, और बहुत सारे यानी लोगों के कस्टमर की यानी रिक्वेस्ट भी थी, बोल रहे थे बोले आप भी खुद ब्रीड कराओ, आप अच्छी अच्छी क्वालिटी लोगों को दे देते हो, तो बोला आप खुद भी यानी करो तो अच्छी बात है, तो फिर मैंने अभी यानी चालू किया है और अभी मैंने क्लच ले लिया है और उसे अभी तो थोड़ा रेस्ट दे रहा हूँ क्योंकि ठंडी का माहौल अभी बढ़ गया है, तो 15 दिन के बाद फिर यहाँ पर थोड़ा ठंडी है, जैकेट निकाला फिर मैंने यहाँ पे आके ठंडी लेके दोबारा पहन लिया। हाँ, तो उसके वजह से फिर क्या थोड़ा अभी रेस्ट दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड ठंडी पड़ने से भी बच्चे मर जाएंगे। इंसान जो है दोस्तों वो तो पालेगा ही पालेगा, जो सिर्फ पैसे पैसे के लिए आया था वो रेट दाने के बढ़ रहे हैं, बर्ड्स के रेट उतने नहीं मिल रहे हैं तो वो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन जो शौकीन बंदा है वो आज भी मेरे शॉप से भी ले जाते हैं बर्ड्स, दाने के रेट बड़े हुए हैं, शौकीन बंदे को कैसा आएगा कि शौकीन बंदे को देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, चाहे दाना 1000 रुपए किलो भी हो जाएगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो उसने एक अपना शौक पाला पाला हुआ, लेकिन इसके अंदर क्या है लोगों ने क्या उसको धंधा बना लिया था। बराबर, तो वो लोग को क्या क्या जैसे मार्केट का मालूम नहीं रहता था, तो वो लोग क्या जैसे जो भाव मिला धंधा भले हो तो भी चलेगा, लेकिन मार्केट का नहीं, मार्केट अगर आप धंधा करो नो डाउट, ऐसा नहीं बोलते कि हम ही धंधा करेंगे, हम ये भी बोलना चाहते हैं कि भाई हमारे साथ साथ आप भी लोग ग्रोथ करो, सब लोग ग्रोथ करिए। उसके लिए क्या है कि आप मार्केट को देखो, अभी जैसे कि मैं हूँ तो मैं परमानेंटली ये लाइन अभी तो मैंने ये पकड़ी हुई है और मैं अभी ये लाइन के अंदर ऐसा यानी अटैच हो चुका हूँ कि मार्केट क्या है अभी वो पूरा यानी मैं ध्यान देता हूँ। हाँ, मैं देखता हूँ, मेरे सामने भी काफी लोगों के हालात है भाई, ये लॉट है इतने रुपए का है, लूंगा नहीं अभी, कई एडवाइस के लिए फोन करते हैं, एडवाइस के लिए मेरे को अभी अल्लाह का करम है, एडवाइस के लिए हर कोई मेरे को जल्दी ज्यादातर फोन करता है और मेरे को पूछता भी है कि भाई क्या रेट है क्या भाव से लेना है। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, चलिए बातें काफी हो गई, हम जाके अंदर देख लेते हैं क्या क्या है आरिफ भाई के पास। देखिए, आरिफ भाई के घर के पास का एरिया काफी अच्छा है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब इन्हीं के आरिफ भाई के मुर्गे मुर्गियाँ सब यहाँ पे घूमते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ पे पीछे थोड़ा गार्डन टाइप भी है उधर, वहाँ पे यहाँ पर भी कुछ है, तो कुछ लवबर्ड्स आरिफ भाई ने यहाँ पर भी रखे हुए बाहर शौक खातिर, हालांकि मदरास आएगा तो बच्चे देखते हैं। अच्छा, मदरसे के बच्चे आते जाते तो उनको देखने के लिए रखा हुआ है आरिफ भाई ने यहाँ पे। चलिए दोस्तों, हम रूम के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले दोस्तों हम आरिफ भाई के ब्रीडिंग सेटअप पे देखेंगे क्या रखा हुआ इन्होंने ब्रीडिंग में, क्या करवा रहे हैं, और ये पर्सनल कलेक्शन लग रहा है आपका आरिफ भाई। हाँ, ये मैंने अभी रेस्ट रखा हुआ है, रेस्ट पे दे दिया इसको। ओके, हाँ, ये स्प्लिट क्रीमिनो के अल्बिनो और क्रीमिनो के स्प्लिट है, दोनों तो व्हाइट बुल है, दोनों तो व्हाइट बुल है, अल्बिनो क्रीमिनो के स्प्लिट है, क्या बात है। चलिए अंदर से देख लेते हैं, अभी मैंने इसके अभी जो चीक्स निकाले थे। ओके, मैंने एक क्लच हो गया इनका। हाँ, अब थोड़ा एक हफ्ता इसको रेस्ट दूंगा, उसके बाद फिर एक क्लच ले लूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठंडी पूरी होते होते एक क्लच आ जाएगा। और देखिए, बढ़िया चीज दिखाने जा रहा हूँ, ये हाफ स्लाइडर है, सामने जो देख रहे हो आप स्क्रीन के ऊपर, ऊपर वाला नहीं नीचे वाला, ये हाफ स्लाइडर है, तीनों तीन हाफ स्लाइडर ही। अच्छा, वो ऊपर वाला भी? हाँ, बाहर निकाल के बता दे, बाहर निकाल के देखेंगे तो अंदाजा आएगा। फिलहाल अभी मैं हाथ डाल के आपको अंदर से दिखा देता हूँ, देखिए वो लाइट के फोक्स के वजह से उसको बिल्कुल सही दिख रहा है। जी जी, अब थोड़ा दिख रहा है। और एक अल्बिनो का मेल है, ओके, हाँ, और एक ग्रीन ऑफलाइन की फीमेल है, ओके, और एक माव यूविंग है,
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब देखो आप ग्रीन नीचे करो आपका मोबाइल थोड़ा, जो देखो ये ग्रीन ऑफलाइन के अंदर ब्लू शेड पड़ गया है, साइड में देखिए बिल्कुल ये हाफ हाफ साइडर है। अच्छा मतलब ये तीन का पेयरिंग करना बाकी है भी? नहीं पेयरिंग बन चुका है, ये दो फीमेल एक साथ में रखता है। अच्छा अच्छा अल्बिनो रेडा है और स्लिट क्रीमिनो भी है। हाँ ये अल्बिनो है लेकिन इसमें साइड में देखिए आप येलो शेड आ रहा है। हाँ चेस्ट पे और मुंह पे उसके और रेड कलर का शेड पड़ेगा। उसके आंख पे कुछ हो गया शायद, आंख पे मसा हुआ है, वो मसा हुआ है। हाँ वो तो मैं वो वैसलीन लगाऊंगा नहीं तो वो उखड़ जाएगा। मसा हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है? मसा है, मसा वो तो ठीक है। ओके बहुत बढ़िया, ये आरिफ भाई का कलेक्शन है। इसके लिए ये ब्रीड ब्रीड लेंगे, इसकी बॉक्स वगैरह लगा दिया इन्होंने यहाँ पे। नीचे भी पैर है जिसकी ब्रीड ले रहे हैं ये। उसके अंदर क्रीमी अपने डेकिनो है, डेकिनो और देख लेते हैं पास से, गेट खोल के देखने पर सही अंदाजा आ जाता है। हाँ, माशाल्लाह डेकिनो है और लेकिन स्प्लिट क्रीमिनो ऑफलाइन के, डेकिनो स्प्लिट क्रीमिनो ऑफलाइन। हाँ, स्प्लिट क्रीमिनो यानी इसको अपने यानी शॉर्ट में ऐसा बोल सकते हैं स्प्लिट इनो स्प्लिट ऑफलाइन। ओके ये मैंने अपने यानी वर्किंग के लिए अपने घर पे ब्रीड कराता हूँ। ये इसने अभी एक क्लच इसका भी मैंने लिया हुआ है और ऊपर वाली एक पैर का भी लिया हुआ है। हाफ साइडर का अभी चालू है। ओके हाफ साइडर का भी चालू है, पैर लग चुकी है लेकिन अभी दोनों फीमेल को सर रख लिया है। तो फिर मैंने बोला आप दोनों फीमेल रख लिया है और ऐसे भी मेल अभी मिल नहीं रहा। सही हाफ साइडर का तो बहुत बढ़िया है। उसके अलावा लॉबर्ड्स का दूसरा कलेक्शन देख लेते हैं यहाँ पर। और आरिफ भाई यहाँ सलमान भाई ने एक बार पकड़ लिया, उड़ के भाग गया था शायद ये। वो इसका है डेकिनो, डेकिनो है। हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया। स्प्लिट इनो स्प्लिट ऑफलाइन, थोड़ा अच्छे से पकड़ना होगा। माशाल्लाह बहुत प्यारा बर्ड है, पकड़ने की सही टेक्निक आनी चाहिए आपको दोस्तों। और ज्यादातर पेपर चीज मिलेगी, बहुत बढ़िया चीज है। चलिए इसको अंदर छोड़ देते हैं, यहाँ पर माशाल्लाह काफी कलेक्शन है देख सकते हो। चलिए गेट खोल ही दिया, पूरा कलेक्शन देख लेते हैं। क्या यहाँ पर इसके अंदर डेकिनो है और वाइट बुल है। और वाइट बुल देखिए आप, उसका अगर आपके ये जो लाइट का शेड पड़ता है उसकी वजह से उसका क्रीम शेड पड़ रहा है, क्रीम शेड पड़ रहा है। ये जो क्रीम शेड पड़ने का रीजन मुजीब भाई ये होता है कि पेपर वाइट है, पेपर वाइट है और स्प्लिट इनो यानी क्रीमिनो जो स्प्लिट है 100%। ओके हाँ चलिए बहुत बढ़िया चीज दिखाई यारिफ भाई। ये बर्ड को छोड़ने के बहाने कुछ अच्छा भी देखने मिल गया। चलिए वहाँ वरना मैं पहले वो शूट लेने वाला था उनका, वहां पे देख लेते हैं। ये यहाँ पर क्या क्या इसके बारे में थोड़ा बोल दीजिए मेरे को, हालांकि गेट खोल के मैं अच्छे से दिखाई दूंगा इस व्यूअर्स को हमारे, और इसके बारे में कुछ बता दीजिए। इसके अंदर भाई ग्रीन ऑफलाइन है, ग्रीन यूविंग ऑफलाइन है, डेकिनो के एक दो पीस है, पेस्टल इनो है और अपने पेस्टल पेस्टल है सादे वाले। क्या बात है, कलेक्शन बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ ग्रीन ऑफलाइन का आपके वीडियो में जा रहा है, ग्रीन ऑफलाइन को देखिए उसका ऑरेंज शेड कितना, बिल्कुल बिल्कुल ग्रीन ऑफलाइन का ऑरेंज शेड बहुत ही ज्यादा अच्छा आ रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इनका साइज बर्ड का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसका भाई एक मैंने एक दवाई यूज करता हूँ, ही है आपके स्टार फार्म की एक दवाई है, बर्ड बूस्टर करके, बर्ड बूस्टर। ओके बहुत बेहतरीन दवा है, मैंने हर दवा यूज करी थी हर चीज के अंदर। बर्ड बूस्टर को एक्चुअली हम लोग आरिफ भाई उसके अंदर हर्बल के अंदर मिक्स करके देते हैं और बड़े के अंदर भी ऐसे मैं डायरेक्टली देता हूँ पानी के अंदर, पानी के अंदर हल्का सा गुनगुना पानी करता हूँ और उसके अंदर मैं आधा चम्मच उसको डाल देता हूँ। मेरा एक भी बर्ड आपको बीमार नहीं मिलेगा और एक भी बैठा हुआ नहीं मिलेगा, बिल्कुल सब है। ये मेरे बर्ड बूस्टर का रीजन है, मैंने बहुत यानी ये जो रिजल्ट देगा ना वो बर्ड बूस्टर का है, एनर्जी को बूस्ट करता है, वो एनर्जी को बूस्ट करता है। तो ऑब्वियसली आपको बर्ड में उसकी एक्टिविटी में काफी आप बहुत मिलेगा। मैंने बहुत दवा यूज करी लेकिन ये जो रिजल्ट इसका मेरे को मिला वो रिजल्ट अभी तक किसी का नहीं मिला। बहुत ही बढ़िया, चलिए वाला गेट बंद कर दीजिए और यहाँ पर ये गेट खोल के आपको मैं दिखा देता हूँ कुछ होगोरमो बजीज, हेलीकॉप्टर बजीज बोलते हैं, होगोरमो बजीज बोलते हैं, फ्लावर बजीज बोलते हैं, लोग अलग अलग नाम से जाने जाते हैं लेकिन काफी अच्छे जनरली होगोरमो बजीज बोलते हैं इनको। मेरे पास भी उसके पांच पेयर है, पांच पेयर मेरे पास भी है एडल्ट, बहुत ही बढ़िया पेयर है आप। लेकिन अभी फिलहाल जो देख रहे हो आरिफ भाई के बच्चे और फ्लावर इनका काफी अच्छा है, सेमी एडल्ट। हाँ सेमी एडल्ट है, मैं जो जनरली मेरे को दो मेल लगते हैं और चार फीमेल है 100%। ओके दो मेल और चार फीमेल आरिफ भाई के हिसाब से इसके अंदर अभी वो सेमी एडल्ट है, इसके लिए थोड़ा वो रखा है मैंने, बोला थोड़ा कन्फर्म नहीं बोलते हैं अभी। बाकी फ्लावर वगैरह काफी अच्छा है, लेकिन क्रस्टेड और फ्लावर आप अपने घर में भी रखनी है तो फिर बिल्कुल चीज अच्छी रखेंगे। बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए सेमी एडल्ट है आरिफ भाई के पास। अभी तीन पेयर यानी कि छह पीस है टोटल, जिसमें से दो मेल और चार फीमेल हो सकते हैं।
माशाल्लाह फ्लावर अच्छा लगा देख के, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर कुछ कॉर्नियर है, क्या बात है, कॉर्नियर देखने मिले आरिफ भाई के वहाँ पे। चलिए बढ़िया देख लेते हैं, यहाँ से शेर सही नहीं आ रहा, इनको मैं इस साइड भगा के यहाँ से दिखाऊंगा आपको। ये देखिए ये वाला गेट खोल देता हूँ। सलमान भाई हेल्प कर रहे थोड़ी सी, थैंक यू भाई। ओहो हो, अब देखने मिला है, वहां से लाइट पड़ रही थी तो शेड सही नहीं दिख रहा था, अब यहाँ से देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो आरिफ भाई के पास ये भी है, आरिफ भाई का नंबर वैसे मैं बोल दूं, आरिफ भाई अगर आपका नंबर बोल दीजिए। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9904898387। ठीक है, एनी रिक्वायरमेंट, एनी आपको कुछ चीज पसंद आ रही है तो आरिफ भाई को आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, प्राइस वगैरह के लिए डायरेक्टली आप कॉल करके बात कर लीजिए। कॉन्यूर भी इनके पास है। आरिफ भाई एज वगैरह क्या है इनकी वैसे? ये 12 महीने प्लस है, नॉन डीएनए, बाकी इंशाल्लाह अपने को थोड़ा बहुत यानी नॉलेज इसमें अभी हो जाएगा। हाँ, कॉन्यूर आपको हाँ, मेल फीमेल का बहुत ज्यादा इश्यू नहीं आएगा इसमें। ठीक है, मेल फीमेल कंफर्म करके आरिफ भाई दे देंगे। अब दिख रहे हैं ब्लू चिक कॉन्यूर की, ब्लू चिक कॉन्यूर की पह रही है, ब्लू चिक कॉन्यूर माशाल्लाह। फीमेल को लेट प्रॉब्लम है लेकिन ये तो मैंने दे दी हुई। अच्छा, पैर दे दिया आपने? हाँ, पैर दे दिया, यानी एक कस्टमर था वो बहुत टाइम से जीत कर दिया था। ठीक है, तो ये पैर जा चुकी है, अवेलेबल नहीं है दोस्तों। और ये इसमें व्हाइट फेस में पाइल्ड है। ओके, तो गेट खोल के दिखा देते। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया देख के। अब गेट खुलने के बाद पूरा एकदम व्यू क्लियर हो जाता है तो उसका मजा ही अलग होता है। हाँ, ये एक पॉन व्हाइट फेस में मेल है, पॉन व्हाइट फेस में फीमेल है। ओके, और पाइड के अंदर ये वाला मेल है, हेवी पाइड। ओके, और पॉन व्हाइट फेस की है, पाइड व्हाइट फेस की फीमेल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये है मतलब आप। हाँ, ये लोगों के लिए अवेलेबल है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे आपने गिनी पिग रखा हुआ है, चलिए इसका रीजन मुझे बता दीजिए क्या। गिनी पिग के अंदर ऐसा है मुझे भाई, मैंने बहुत यानी चूहे भगाने के लिए बहुत कुछ कोशिश करी थी मारने के लिए, लेकिन ये गिनी पिग आने से मेरे को एक बेनिफिट मिल गया कि मैं इसको छूटा छोड़ देता हूँ तो इसको देख के चूहे नहीं मार देते, मतलब ये आप इसको ओपन छोड़ देते हैं, आप पूरी एवरी चेक कर सकते, चूहे वगैरह एक भी चूहे देखने नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत कुछ जानने मिला आरिफ भाई के वहाँ पे। पहले आरिफ भाई बर्ड्स इतने में रखते थे, यहाँ पर इनका बेड वगैरह होता था, लेकिन अब पूरा ही इन्होंने वो कर दिया है, सारा ही बर्ड्स को दे दिया है इंशाल्लाह। अभी मुझे भाई थोड़ा अभी काम चालू है अपना, ये थोड़ा अभी थोड़ा शादी का माहौल है इसके लिए। ओके, बाकी ये शादी का थोड़ा माहौल बन जाए उसके बाद में बहुत मस्त बेहतरीन बनाऊंगा। और इंशाल्लाह आपके घर में शादी वगैरह है कहीं पे? हाँ, मेरे सिस्टर के वहाँ पर मेरे भांजे के। ओके, ओके, तो उसके वजह से थोड़ा मेरा कम करा हुआ है ताकि आना जाना लगा रहता होगा। हाँ, वो आना जाना लगा रहता है, इसके लिए थोड़ा सा अभी वो ब्रीड में भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि मैं भी इसमें ध्यान दूंगा तो फिर शादी भी थोड़ा शादी में जाना जरूरी तो चलिए बहुत अच्छा लगा आरिफ भाई आपको मिलकर यहाँ पर 6 महीने बाद आके। अरे शुक्रिया मुजीब भाई, मार्केट में मतलब अफवाह बहुत फैल रही थी कि मुजीब भाई ने बंद कर दिया था, बंद कराया आपको, खाली आपका बंद नहीं किया था मैंने, ऑलमोस्ट जितने भी सेलर थे ऑलमोस्ट मैंने सबका बंद कर दिया था। इसमें संडे मार्केट वाले भी आते हैं, संडे मार्केट का भी वीडियो में कहाँ बना रहा हूँ पिछले 6 महीने से, आप देख ही रहे हो मार्केट का, तो मैं आता हूँ लेकिन घूम के बहुत अच्छा। और ये जो आपने भी जो यानी कदम उठाया था गलत नहीं था। मेरी कोशिश यही थी भाई कि बेडर लोग बढ़े तो कुछ फायदा हो मार्केट को, सभी को फायदा। ऐसा हो गया था मुझे ब्रीडर की जगह पे सेलर बढ़ गए थे। हाँ, सेलर बढ़ गए थे ब्रीडर, तो मैं वो चीज हाईलाइट नहीं करना चाहता था। हाँ, इसीलिए मैं भाई सिर्फ ब्रीडरों का वीडियो बना रहा था, जो ब्रीडिंग कर रहा है तो 2-4 पेयर की भी ब्रीडिंग कराएगा, मैं जरूर वहाँ पे जाकर सेटअप पे वीडियो बनाऊंगा। ऑफकोर्स आप लोगों को भी बनाना है, अगर आप ब्रीडिंग करवाते हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करिए, और मेरा नंबर है 8530329381। और मोस्ट वेलकम अलायत पेट शॉप पे, अपनी मनपसंद की चीज आपको मिल जाएगी, गुमतीपुर अहमदाबाद के अंदर है। चलिए, तो आरिफ भाई का जो वीडियो बनाया अच्छा लगा होगा आपको, नंबर आपका दोबारा शेयर कर दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9904898387। चलिए मिलते हैं फिर हम नए वीडियो में किसी और फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।